नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बुल मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आप लोग बताने वाले हैं दूसरी मूवी तूफान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं बात करने वाले हैं तीसरी मूवी हंगामा 2 जो कि आज के दिन रिलीज हो गई है, उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिग बुल मूवी के बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों आप लोग बताइए चले कि बिग बुल मूवी जो कि 1992 के बनाई गई एक स्कैम के ऊपर कहानी है, जो कि बिग बुल मूवी में आप लोगों नजर आएंगे लियाना डिक्रूज और निकिता दत्ता। दोस्तों आप लोग बताइए चले कि शेयर मार्केट में बहुत ही जोरदार तरीके से घोटाला किया गया था, उसी के ऊपर आधारित बिग बुल मूवी और उसी पे बनाया गया है। और बहुत ही जोरदार तरीके से अभिषेक बच्चन की फिल्म बिग बुल मूवी अभी भी अपने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताया चले कि 108 दिन होने के बावजूद भी आज के दिन भी अच्छा खासा जो कि रिस्पॉन्स दिखा रही है अपने OTT प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि बिग बुल मूवी जो कि अपने पहले ही दिन बहुत ही जोरदार तरीके से कलेक्शन किया OTT प्लेटफॉर्म पर, और अपने पहले ही दिन दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि 15 करोड़ रुपये की ओपनिंग लेके जो कि बिग बुल मूवी ने बहुत ही शानदार तरीके से OTT प्लेटफॉर्म पे अपनी ओपनिंग ली पहले ही दिन में। दोस्तों वहीं बात कर लेते दूसरे दिन की। तो दोस्तों आप लोग बताए चले दूसरे दिन बिग बुल 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया, और OTT प्लेटफॉर्म पे अपने 2 ही दिनों में जो कि 20 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हुई बिग बुल मूवी। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं बिग बुल मूवी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही चले कि इससे पहले कि आज के दिन बिग बुल मूवी जो कि 108 दिन में कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग बता दें कि बिग बुल मूवी ने अभी तक जो कि 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है अपने OTT प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं तूफान मूवी की। तो दोस्तों आप लोग बताइए चले कि तूफान मूवी जो कि फरहान अख्तर की फिल्म जो कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार है। दोस्तों फरहान अख्तर की फिल्म तूफान मूवी में जो कि आप लोगों को फरहान अख्तर बहुत ही दमदार एक्टिंग में नजर आएंगे, और उनका साथ देते हुए नजर आएंगे परेश रावल। दोस्तों बताते चले कि तूफान मूवी जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित है, इसने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों आप लोग बताते चले कि इसकी कहानी में थोड़ा गड़बड़ी थी, और दोस्तों आप लोग बता दें कि इसकी कहानी जो थी बहुत अच्छी नहीं थी, इसके कारण इस फिल्म को पब्लिक ने अच्छा खासा रिएक्शन नहीं दिया। दोस्तों आप लोग बता दें कि इसने फिल्म ने अपने पहले दिन 4 करोड़ रुपए का कारोबार किया, वहीं दूसरे दिन 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया। दोस्तों आप लोग बताए चले कि जो कि तीसरे दिन दोस्तों 6 करोड़ रुपए का कारोबार किया इस फिल्म ने। दोस्तों आप लोग बताए चले कि आज इस फिल्म को 8वां दिन है, और अपने 8वें दिन में भी अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। लेकिन दोस्तों आप लोग बताते चले कि ये भी तूफान मूवी जो कि आपने 8वें दिन में बहुत ही ठीक ठाक कलेक्शन कर दिया। आप लोगों को क्या लगता है कि तूफान मूवी अपने 8वें दिन में कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने तूफान मूवी देखी तो आप लोगों को तूफान मूवी कैसी लगी, और तूफान मूवी में जो कि आप लोगों को फरहान अख्तर की एक्टिंग कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि तूफान मूवी अपने OTT बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम कितने करोड़ रुपए का कलेक्शन कर पाएगी, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं तीसरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों बताए चले कि हंगामा 2 मूवी को आज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग बताए चले कि हंगामा 2 जो कि एक कॉमेडी से भरी फिल्म है, जो कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार है। दोस्तों हंगामा 2 में आप लोगों को बहुत सारे स्टार देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग बताए चले कि जिस फिल्म में परेश रावल रहते हैं उस फिल्म में बात ही निराली रहती है, क्योंकि जोरदार एक्टिंग और जोरदार कॉमेडी करते हैं परेश रावल साहब। और दोस्तों आप लोग बताए चले कि शिल्पा शेट्टी भी उनका साथ दे रही है। दोस्तों हंगामा 2 जो कि एक भरपूर कॉमेडी फिल्म है और बहुत ही जोरदार फिल्म है और बहुत ही शानदार फिल्म है, जो कि हंगामा की रीमेक है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताए चले कि हंगामा की रीमेक है। जिस तरीके से हंगामा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कारोबार किया था, उसी के चलते इस फिल्म को अब दोबारा से बनाया गया, और हंगामा 2 जो कि जिसके ट्रेलर में ही पता चल गया था कि कितनी जोरदार मूवी साबित होने वाली। दोस्तों वही बात कर लेते हैं आज के दिन इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप लोग बताए चले कि हंगामा 2 जो कि अपने आज के दिन दोस्तों आप लोग बता दें कि 10 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है अपने OTT बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म हंसी की फिल्म है और दोस्तों कॉमेडी वाली फिल्म है, और इस फिल्म को जो कि बहुत ही ज्यादा ऑडियंस प्यार भी करेगी दोस्तों, क्योंकि यह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। और दोस्तों आप लोग बताए चले कि हंगामा 2 जो कि घरों घरों में देखी जाएगी, और जो कि कॉमेडी की फिल्में हर फिल्म में चलती है और हर फिल्म में लोग पसंद भी करते हैं, इसी कारण यह फिल्म आज के दिन इतने करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है। दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि 10 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है कि नहीं हंगामा 2, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पर नए हैं, तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की और OTT प्लेटफॉर्म की और वेब सीरीजों की जानकारी आप लोगों को मिलती है सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।